हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइंड आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सारा जो मिक्सड फ्रैक्शन नंबर्स दिया गया है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 6 5 जाए 31 बाई 6 माइनस 5 1 जाए 5 1 6 6 बाई 5 प्लस 4 2 जाए 8 3 11 11 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 5 जाए 10 1 11 11 बाई 2 डिवाइडेड बाई x। इसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है x माइनस। अब देखिए कि सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, सम्स होते हैं या डिफरेंस होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 बाई 6 माइनस 2 बाई 3 है, तो 6 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। 6 और 6 1 जा 6 5 1 जा 5 माइनस 3 2 या 6 2 2 या 4 5 माइनस 4 बाई 6 सारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इक्वल्स 120 × 2 तो ये हो जाएगा 240 प्लस 61 301 बाई 120। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 31 बाई 6 माइनस 6 बाई 5 प्लस 11 बाई 4 डिवाइडेड बाई 11 बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 प्लस में बाई 6 तो प्लस 1 बाई 6 होगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर आएगा 1 बाई 6। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 301 बाई 120 31 बाई 6 माइनस 6 बाई 5 प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर आप देखिए कि डिवीजन का काम सबसे पहले करना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से। 11 बाई 4 और इस डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 11 बाई 2 का रेसिप्रोकल लिखना होगा, यानी 2 बाई 11। और उसी तरह यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो एक्स का रेसिप्रोकल यानी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 6 इक्वल्स 301 301 बाई 120। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। 31 बाई 6 माइनस 6 बाई 5 प्लस, अब देखिए ये 11 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बाई 2 × x तो 2x माइनस 1 बाई 6 इक्वल्स 301 बाई 120। ठीक है, 31 बाई 6 माइनस 6 बाई 5 प्लस, यहां जो है 2x और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6x, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 माइनस 6 इंटू एक्स तो 6x होगा, तो 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा इक्वल 301 बाई 120। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 31 बाई 6 माइनस 6 बाई 5 प्लस, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, 3 माइनस x बाई 6x इक्वल्स 301 बाई 120। ठीक है, 31 बाई 6 माइनस 5 और 6x का एलसीएम हो जाएगा 30x, 5 × 6x 30x होता है, तो 6 को भी 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x हो जाएगा, और उसके बाद 6x × 5 तो होता है 30x, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 5 जा हो जाएगा 15
और उसके बाद माइनस एक्स इंटू फाइव हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, ठीक है, इक्वल्स 301/120। 31/6 माइनस 36x माइनस 5x तो 31x प्लस 15/30x इक्वल्स 301/120। 31/6 माइनस 31x प्लस 15/30x इक्वल 301/120। 6 और 30x का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30x, 6 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30x, तो इसको भी 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, यानी 155x, ठीक है, माइनस 31x, और यहाँ माइनस है इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स 301/120। 155x माइनस 31x तो ये हो जाएगा 5 - 1 4 और 5 - 3 2 1, 124x माइनस 15/30x इक्वल 301/120। यहाँ है 30 और यहाँ है 120, तो 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ कैंसिल कर देंगे 30 और 120 को, तो 30 से 120 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद यहाँ हो जाएगा 124x माइनस 15/x इक्वल्स 301/4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 496x माइनस 60 इक्वल्स 301x। 496x और ये इस तरफ आएगा माइनस 301x इक्वल्स, और माइनस 60 को उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड तो हो जाएगा प्लस 60। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको घटाने पे बचेगा 195x इक्वल्स 60। एक्स इक्वल्स 60/195, 15 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 15 4 60 और 15 × 13 हो जाएगा 195, तो 4/13, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/13। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।